हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए यदि आपने अपनी आईटीआर को सबमिट कर दिया है और उसे आप ई वेरीफाई करना भूल गए हैं तो आपकी आईटीआर इनवैलिड मानी जाएगी। जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें दी गई जानकारी की चेकिंग करता है और उसे प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग जो आईटीआर की है वो तब तक नहीं कंप्लीट होती है जब तक आप उस आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं कर देते हैं। तो आईटीआर को प्रोसेस कराने के लिए आईटीआर को ई वेरीफाई करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको कंप्लीट करना होता है। जब आप अपने आईटीआर को सबमिट करते हैं दोस्तों तो उस डेट से 30 दिन के अंदर आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं होगी। आपका कोई रिफंड वगैरह बनता है तो आपका रिफंड क्लेम नहीं होगा, या फिर आप बाद में अपनी आईटीआर को रिवाइज़ करना चाहते हो तो आप उसे रिवाइज़ भी नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपनी आईटीआर को ई वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब आप अपनी आईटीआर को सबमिट करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का स्लिप जनरेट होकर के आता है, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्लिप जनरेट होकर आता है और इसमें देखिए यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे और व्यू फाइल्ड रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी रिटर्न पेंडिंग फॉर ई वेरीफिकेशन दिखा रहा है, मतलब आपकी जो रिटर्न है अभी तक तो पेंडिंग है, अभी आपका ई वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आपको इसे ई वेरीफाई करना है। तो ई वेरीफाई करने के लिए आप दो तरीके से इसका ई वेरीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको किस तरीके से आप ई वेरीफाई करना वो प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आईटीआर को ई वेरीफाई आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये है कि आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ ई वेरीफाई योर रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 23-24 और यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने आपको भी बताया था कि आप नोट डाउन करके रख लेना, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल नंबर इंटर करनी है जो मोबाइल नंबर आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगी जो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पूछ रहा है कि हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई योर रिटर्न। अब आपको अपनी रिटर्न किस तरीके से ई वेरीफाई करनी है, इसमें कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पहला कि आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, मतलब कि आपका जो आधार नंबर है उसमें जो मोबाइल नंबर है उससे यदि आप अपना आईटीआर ई वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो कि आधार से कनेक्टेड है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको एंटर करना होगा तब तो आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। इसका दूसरा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। यदि आपके पास DSC है तो आप DSC से भी इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आइदर यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर DSC और DSC हैज एक्सपायर्ड। मेरे वाले इस रिटर्न में DSC रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए इस तरीके से बोल रहा है। तो आपका यदि इनकम टैक्स पोर्टल पर DSC पहले से रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप DSC के थ्रू अपनी ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड। जब आप अपने बैंक को प्री वैलिडेट करते हैं तो उस समय आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यदि बैंक में सेम है तो आपका EVC के लिए वो इनेबल्ड हो जाता है वो बैंक अकाउंट, ठीक है। तो उस जिस बैंक में आपका अकाउंट है और जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने प्री वैलिडेट कराई है उस बैंक से ऑटोमेटिक आपका एक EVC कोड जनरेट होकर के आपके मोबाइल पे आता है, ठीक है। तो आप ये EVC कोड इंटरनेट बैंकिंग से भी जनरेट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप डीमैट अकाउंट आपका है तो डीमैट अकाउंट से भी आप जो है अपने ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थ्रू बैंक अकाउंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक EVC जाएगी, वो EVC आप यहाँ पे इंटर करेंगे और आपका जो है ITR E-Verify हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप बैक पे आएंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन और है, आई ऑलरेडी हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। देखिए जब आप एक बार इस वाले ऑप्शन से थ्रू बैंक अकाउंट, इस वाले ऑप्शन से जब आप एक बार EVC अपना जनरेट कर देते हैं तो वो EVC आपका वर्क करता है, आप बाद में भी उस EVC को डाल करके अपना ITR E-Verify कर सकते हैं। इसके बाद आपका मान लीजिए आधार नंबर पे जो मोबाइल नंबर पे जो OTP गई है, उस आप OTP को नोट डाउन करिए और उसके बाद 10 मिनट तक उसकी वैलिडिटी रहती है, आप उस OTP को भी इंटर करके अपने ITR को E-Verify कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द NEVC विल बी सेंड टू द मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID रजिस्टर्ड विथ E-Filing, दिस EVC इज़ वैलिड फॉर 72 आवर्स। तो आपके पास जो EVC जनरेट होगा थ्रू बैंक अकाउंट या इंटरनेट बैंकिंग या फिर थ्रू डीमैट अकाउंट, ये सारे जो वैलिडिटी है EVC के वो 72 आवर्स तक रहेगी। आप जो है 72 आवर्स में कभी भी अपने ITR को आप E-Verify कर सकते हैं। आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, आई हैव ऑलरेडी एन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, और यदि आप आधार से करा रहे हैं तो आधार की भी OTP आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। बैंक के ATM में भी जाकर के आप EVC कोड जनरेट कर सकते हैं। तो लेट सपोज कि हम अपने ITR को पहले वाले ऑप्शन से E-Verify करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आधार नंबर हमारा मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक आधार OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। इंटर करके आप वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, आपका जो ITR है वो E-Verify हो जाएगा। तो ये पहला मेथड है जिससे कि आप अपने ITR को E-Verify कर सकते हैं। आप जैसे ही अपनी आधार OTP इंटर करते हैं, उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो आपका जो रिटर्न होता है वो सक्सेसफुली E-Verify हो जाता है। उसका मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाता है कि रिटर्न E-Verified सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप डाउनलोड रिटर्न और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट आपको यदि करना है तो आप कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड में इसे रख सकते हैं। जो दूसरा मेथड है वो ये है कि आपको अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आनी है। इनकम टैक्स वाली वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, आने के बाद आप यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है E-Verify रिटर्न, ठीक है। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको E-Verify रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए असेसमेंट ये 23 और ITR 1 को हम E-Verify करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए E-Verify का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको, अगेन वही सारा ऑप्शन यहाँ भी दिखेगा, ठीक। तो आप दोनों तरीके से अपने ITR को E-Verify कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि आपका जब ये ITR E-Verify हो जाएगा तो आपका जो यहाँ पे जो मैसेज मैंने बताया था यहाँ पे जब आप आएंगे व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में, तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस शो करेगा वो करेगा अंडर प्रोसेसिंग, ठीक है। आपका सक्सेसफुली E-Verify हो जाएगा, इसके बाद कुछ समय के बाद अंडर प्रोसेसिंग का स्टेप्स दिखाएगा, फिर आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने ITR को E-Verify कर सकते हैं, और आपको E-Verify करना कभी नहीं भूलना है, और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस समझा। आई होप कि आपको ये प्रोसेस से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।